हफ्ते को पाकिस्तान की सियासी तारीख ने एक मरतबा फिर एक और साबिक मुंतखब वज़ीर आज़म को करप्शन केस में सजा पाते और सियासत से नाअहल होते देखा। हफ्ते को एक गैर मामूली पेशरफ में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने तोशाखाना क्रिमिनल केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को 3 साल कैद 1 लाख जुर्माना इसकी सजा सुनाई, जिसके बाद इमरान खान 5 साल के लिए सियासत से नाअहल हो गए। दिलचस्प बात यह है कि जिस बुनियाद पर सेशन कोर्ट ने इमरान खान को तोशाखाना केस में मुजरिम करार दिया, इस बुनियाद पर कई अराकीन पार्लियामेंट मुश्किल में आ सकते हैं। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तफसीली फैसले में लिखा कि चेयरमैन पीटीआई ने 2018 से 2021 तक इलेक्शन कमीशन में गलत डिक्लेरेशन दिया। उन्होंने तहाइफ तोशाखाना से खरीदे और बाहर भारी प्रॉफिट्स पर बेचे, दूसरों को मुंतकिल किए मगर तफसीलात छुपाई। उन्होंने तहाइफ से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में मुकम्मल तफसीलात जाहिर नहीं की। चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में मुकम्मल असासे जाहिर करने में नाकाम रहे, जबकि फॉर्म बी के मुताबिक बेचे या मुंतकिल किए जाने वाले असासों की तफसील देना लाजिम है। दिलचस्प बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर ये तारीखी फैसला देकर तातीलात पर चंद घंटों बाद लंदन चले गए। बताया गया है कि वहाँ किसी यूनिवर्सिटी में सेमिनार में शिरकत के लिए गए हैं। जज हुमायूं दिलावर ने अपने 30 सफात पर मबनी तफसीली फैसले में असासे जाहिर करने का जो मेयार तय किया, उस पर कई अराकीन पार्लियामेंट ने अमल दरामद नहीं किया है। मसलन साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ ने भी तोशाखाना से जो तहाइफ लिए उनको अपने फॉर्म बी में उन्होंने नहीं तहरीर किया और ये अपने पास रख लिए या दूसरों को मुंतकिल करने की तफसीलात नहीं फराहम की। दूसरी जानिब इमरान खान की रिहाई के लिए उनके वकला मुतहर्रिक हैं। यकीनी तौर पे पहली कोशिश जमानत पर रिहाई की होगी। आज इमरान खान के वकील का अटक जेल में उनसे मुलाकात के बाद इन वकला का कहना था कि फैसले के खिलाफ कल हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान, मौजूदा हुकूमत और इससे पहले नून लीग की हुकूमत में अटर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं, मोहतरम अशतर औसाफ अली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ सर, ये फरमाइएगा कि ये एक और पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत अहम केस है, एक और वज़ीर आज़म जो है वो सज़ा पा चुका है और अब उसके लिए एक और अदालती जंग का नया मरहला शुरू होने वाला है। इससे पहले हम मुतादिद वज़ीरे आज़म के मामलात को देख चुके हैं, ये एक यकीनी तौर पे अदालती तारीख का भी एक नया बाब रकब हो रहा है। आपको इस केस में और दूसरे केसेस के अंदर मुबासलत या इसमें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है वज़ीरे आज़मों के केस में? ये जो सियासतदानों को डिस्क्वालीफाई करने का रवाज, कानून और ये सारी अदालती जंगें आज की नहीं है, कल की नहीं है, माजी में भी हो चुका है। हुसैन शहीद सर वर्दी और एबडो के नाम से कानून और उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में सियासतदानों के खिलाफ करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, इस तरह की बातों के सारे सिलसिले चलते आए। इमरान खान साहब का ये वाला केस जो है वो इस हद तक यूनिक है कि इसके अंदर सारा मामला जो है वो एक जर्नलिस्ट ने सारा शुरू किया और उन्होंने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत मालूमात हासिल करना चाहिए जो कि बहुत मुश्किल से उनको मिल सकी, और हाई कोर्ट के जज साहब हैं, उन्होंने ऑर्डर किया कि ये लाजमी तौर पे पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। इस वजह से ये सारा सिलसिला आगे चला। इलेक्शन कमीशन के पास आने से पहले ये स्पीकर के पास मामला था और वहाँ से फिर ये इलेक्शन कमीशन में आया। इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फाइंडिंग्स दे दी अपनी कि ये फाइंडिंग्स ये हमारी ये हैं कि इन्होंने तोशाखाना से और बाकी जो उनके मामलात हैं जिसके अंदर उन्होंने अपने गोशवारे जो भरे, उन गोशवारों में बहुत सारी चीज़ों को अफवाह किया गया और वो मालूमात जो हैं उनको लाजमी तौर पे देना थी। इसलिए भी ये यूनिक केस मैं समझूंगा क्योंकि इनके सारे के सारे बयानी का जो बुनियाद था वो ये था कि करप्शन के खिलाफ ये जद्दोजहद कर रहे थे, इनका इलेक्शन का स्लोगन भी ये था, इनका दौरे हुकूमत भी इनका यही था और एलानिया तौर पे वो दूसरे पॉलिटिशियंस को उन्होंने जेल में भी डाला। जिस अंदाज से ये
पिछले तकरीबन 20-25 दिन ये केस चला है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, आपका बड़ा वसी तजुर्बा है, हम बहुत ही मुसलसल ये देख रहे हैं जिसमें कहा गया है कि इंतहाई गैर मामूली उजलत से काम लिया गया है, गैर मामूली इसमें जो है वो अंदाज से इसको चलाया गया है, क्या आपकी भी ये राय है? मेरा नहीं ख्याल ये 20-25 दिनों में ये केस चला है, ये केस जो है ये अक्टूबर से चल रहा है। नहीं, ये जो पिछले 25 दिन की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ इन 25 दिनों के दौरान जिस तरह से इसकी समाप्त हुई उसकी बात कर रहा हूँ। डेली 6-7 घंटे चलना है डिस्ट्रिक्ट कंसेशन कोर्ट में ऑन डेली बेसिस, इसमें आपको कोई गैर मामूली बात लगी? नहीं, मुझे तो इसमें कोई गैर मामूली बात इसलिए नहीं लगी क्योंकि ये खुद हाईकोर्ट में जाके उन्होंने ये ऑर्डर्स लिए थे कि ये इसको जल्द अज जल्द निपटाया जाए। ये इमरान खान साहब का अपना केस था हाई कोर्ट में कि इनके मामले को सुना नहीं गया इनको, और इनको सुनने के बाद फैसला किया जाए, और इसी वजह से एक टाइम फिक्स हुआ था, उन टाइम लाइन्स की जो है पैरवी करना वो जज साहब की एक जिम्मेदारी थी, हाई कोर्ट का डायरेक्शन था, और इस डायरेक्शन की वजह से अगर ये सुपीरियर कोर्ट्स में ना गए होते तो शायद इस तरह की डायरेक्शंस भी ना आती। तो जाहिर है कि अशरफ साहब कि ये तो हमें सामने नज़र आ रहा है कि हमारे वज़राए आज़म के लिए तोशाखाना एक बहती गंगा है, उसमें सब हाथ धो रहे हैं, इसमें अभी जिक्र नहीं है उन BMW गाड़ियों का या शायद मर्सिडीज़ आर्म्ड गाड़ियों का जो कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जनाब आसिफ अली जरदारी को फिर दी, और फिर उसके बाद एक जनाब नवाज शरीफ को दी जबकि वो वज़ीर आज़म भी नहीं थे, वो उनको उस वक्त भी वो मिली। तो ये एक वैसे एक अमल है, और ये जो आप फॉर्म बी की आपने की जो कैफियत देखी इस पर आपकी क्या कानूनी राय होगी? बिल्कुल, ये ना सिर्फ मामला तोशाखाना का है, ये उससे ज़्यादा बड़ी बात है, और वो यूँ है कि आपको तमाम के तमाम जो आपके एसेट्स वगैरह हैं जो आपने हासिल किए उस दौरानिया में जिसमें आप मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली और या किसी मिनिस्ट्री में आप थे या वज़ीर आज़म थे, ये सिर्फ वज़ीर आज़म के लिए नहीं, ये तमाम अरकान असेंबली के लिए है, जो भी वो एसेट्स एक्वायर करते हैं चाहे वो तोशाखाना से लिए हों या कोई प्राइवेटली लिए हों, वो बेचे हों या उन्होंने हासिल किए हों या उनको गिफ्ट किए गए हों, इन सब का जिक्र करना अजहद ज़रूरी है, और ये सिर्फ जजमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कानून की रिक्वायरमेंट है, और जो जजमेंट है वो कानून की इन्फोर्समेंट के लिए है। और ये मामला जो है ये आप देखेंगे कि ये सब पे लागू होना है, और जब भी कोई इस तरह का मामला आएगा तो बिल्कुल ये कानून का जो मयार है उसके मुताबिक ही सब परखे जाएंगे। वो अपनी डिफेंस में क्या कहना चाहते हैं ये अलग बात है, लेकिन जो बेंचमार्क अब तय हो गया है सब उसी से टेस्ट किए जाएंगे। गोया कि ये वो बेंचमार्क जो इमरान खान साहब के केस में तय किया डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब ने वो लागू होता है जनाब नवाज शरीफ पे, और आपने फरमाया तमाम अराकीन पे, शाहिद खाखा नबासी साहब पे, और हमारे सामने बड़ी बड़ी शानदार मोटरों का भी केस है, तो आप ये फरमा रहे हैं कि कभी ना कभी कानून की गिरफ्त में आएंगे ये हजरात भी? देखिए, दो बातें कहूँगा, ये जब